उदाहरण 16। एक टेबल का नगद मूल्य 1000 रुपये है, जिसे रमेश 400 रुपये तत्काल नगद भुगतान तथा 310 रुपये की दो समान मासिक किश्तों पर खरीदता है। किश्त योजना में दिए गए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। उदाहरण 16। हल। प्रश्न में दिया गया है कि टेबल का नगद मूल्य 1000 रुपये है तथा तत्काल जो नगद भुगतान किया गया भुगतान बराबर है 400 रुपये, यानी कि किश्तों में जो देय राशि होगी वह कितनी हो जाएगी? किश्तों में देय राशि बराबर होगा जो उसका मूल्य है 1000, और उसमें से जितना तत्काल नगद भुगतान कर दिया गया उसे हम इसमें से घटा देंगे तो हमें मिलेगा 600 रुपये किश्तों में देय राशि। अब यदि हम मान लें कि किश्त योजना में दी गई ब्याज की दर जो है आर प्रतिशत है, दर आर प्रतिशत वार्षिक है, तो दो माह बाद 600 रुपये का मिश्रधन कितना हो जाएगा? दो माह बाद 600 रुपये का मिश्रधन बराबर होगा जो मूलधन है और उसके साथ में आ जाएगा ब्याज। इस प्रकार हमें जो मिश्रधन प्राप्त होगा वह कितना हो जाएगा? मूलधन हमारा कितना बच रहा है जो पैसा पटाना है? वह 600 रुपये, और साथ में ब्याज हमने कहा वह जो हो जाएगा 600 का ब्याज यदि हम निकालें तो 600 गुणित ब्याज की दर कितनी है आर, गुणित समय कितना है दो महीना, यानी कि हमें लिखना पड़ेगा इसको 2/12 क्योंकि हम वार्षिक गणना करते हैं, और 100। चलिए आगे हल करते हैं। तो आर प्रतिशत वार्षिक दर और दो माह बाद 600 रुपये का जो मिश्रधन हमें प्राप्त हुआ है वह है मिश्रधन बराबर 600 धन आर। इसे समीकरण 1 ले लेते हैं। इसके बाद प्रश्न में दिया गया है कि मासिक किश्त जो है वह 310 रुपये की है, तो एक माह बाद दिए गए 310 रुपये जो कि मासिक किश्त है का दूसरे माह के अंत में मिश्रधन वह हम ज्ञात कर लेते हैं। दूसरे माह के अंत में मिश्रधन वह होगा मिश्रधन बराबर 310 धन इस पर लगने वाला ब्याज। तो 310 गुणित दर हमारी आर है, और यहाँ पर हम इस महीने के लिए जो दूसरे माह के लिए हम उसका ब्याज है वो समय ले रहे हैं, इसलिए समय जो हो जाएगा वो होगा 1/12/100। चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो हमें मिलेगा 310 धन 310 गुणित आर गुणित 1/12 × 100। इसे 10 के पहाड़े से हल करें तो 10 × 100 और ये जाएगा 31 बार में। तो अब हमें प्राप्त हुआ 310 धन 31 आर बटे 12 × 10 हो गया 120। तो
इसे हम अब यहाँ पर दूसरा समीकरण मान लेते हैं। चलिए आगे हल करते हैं। हमें जो मिश्रधन पुनः प्राप्त हुआ है एक माह के लिए, वह कितना है? मिश्रधन बराबर एक माह के लिए अभी हमने मिश्रधन निकाल कर रखा है 310 धन 31 आर बटे 120। अब दूसरी किस्त के लिए हम बात कर लें कि दो माह बाद दी गई दूसरी किस्त बराबर 310 रुपये। अतः दोनों मासिक किस्तों को मिलाकर दो माह के अंत में जो मिश्रधन मिलेगा वह होगा 310 धन 31 आर बटे 120 और धन जो दूसरी किस्त हमने पटाई वो है 310 पुनः। इस प्रकार हमें मिलेगा 620 धन 31 आर बटे 120। तो अब यदि हम इसे तीसरा समीकरण ले लें, हमने पहले 600 धन आर जो देय बकाया राशि निकाल कर रखी हुई है मिश्रधन के रूप में, और साथ ही जो किस्तों की सहायता से हमने यह जो देय बकाया राशि निकाली है यह दोनों का मान समान होना चाहिए। तो अब समीकरण 1 व 3 से हम कह सकते हैं कि यह बकाया जो राशि है मिश्रधन के रूप में 600 धन आर, और समीकरण 3 में जो हमें 620 धन 31 आर बटे 120 मिला है यह दोनों जो है वह समान होना चाहिए। इसलिए हम इसे इस प्रकार लिखेंगे और इसे हल करेंगे। तो अब हम इसे हल कर लेते हैं। हल करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा आर ऋण 31 आर बटे 120 और ये पक्ष हमारा हो जाएगा 620 ऋण 600, क्योंकि यहाँ हमने 600 का पक्षांतर किया बाएं से दाएं पक्ष में और 31 आर बटे 120 को हमने दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में ले गए हैं। चलिए आगे हल करते हैं। हमें जो समीकरण प्राप्त हुआ था वह है आर ऋण 31 आर बटे 120 बराबर 620 ऋण 600। इसे और अधिक सरल करने पर हमें मिलेगा 120 आर ऋण 31 आर बटे 120 बराबर 620 में से 600 को हम घटा दें तो हमें प्राप्त होगा 20। 120 आर ऋण 31 आर यानी कि ये हो गया 89 आर बराबर 20, और गुणा में यदि हम पक्षांतर जो 120 है हमारे पास उसका पक्षांतर करने पर हमें मिलेगा गुणा 120। इस प्रकार आर का मान हो जाएगा 20 गुणित 120 बटे 89, और इस प्रकार आर का मान मिलेगा 26.97%, जो कि एक लगभग मान है। तो हम कह सकते हैं कि अतः किस्त योजना में ब्याज की वार्षिक दर जो हमें प्राप्त हुई है दर बराबर 26.97%। अतः यह प्रश्न हल हुआ।